हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सभी लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। तो आइए आज हम लोग काइनेमेटिक्स में एक्सेलरेशन का स्टडी करते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है? व्हाट इज एक्सेलरेशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन को हम लोग दो टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। किसमें किसमें? एक होगा एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, और जो दूसरा होगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले हम लोग क्या स्टडी करते हैं? एवरेज एक्सेलरेशन। क्या? एवरेज एक्सेलरेशन। तो देखते हैं एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है। एवरेज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ये क्या होता है? रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इन ए टाइम इंटरवल एंड टाइम इज कॉल्ड एज एवरेज एक्सेलरेशन। हेंस ये ज्यूम कर लेते हैं कि डेल्टा टी टाइम में इसकी वेलोसिटी वी इनिशियल से चेंज होकर के वी फाइनल हो जाती है। इसके जो वेलोसिटी है वह इनिशियल वेलोसिटी कितना है? वी इनिशियल। फाइनल वेलोसिटी क्या है? वी फाइनल। कितने टाइम में चेंज हुआ? डेल्टा टी टाइम में। तो कह दीजिए एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा? ए एवरेज इक्वल्स टू लिखेंगे वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन डेल्टा टी। वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। इसी को लिखते हैं डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो किसी टाइम इंटरवल में वेलोसिटी में चेंज और उस टाइम इंटरवल के रेशियो को एवरेज एक्सेलरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एवरेज एक्सेलरेशन। तो हो सकता है कि जो बॉडी हो वह वन डायमेंशनल मोशन कर रही हो या टू डायमेंशनल भी कर सकती है और थ्री डायमेंशनल मोशन भी परफॉर्म कर सकती है। तो यदि बॉडी वन डायमेंशनल मोशन परफॉर्म करे, कौन सा? वन डायमेंशनल मोशन, तो हम लोग क्या लिखेंगे? ए एवरेज इक्वल्स टू, या तो एक्स एक्सिस के अलोंग बॉडी जा रही होगी या तो वाई एक्सिस या जेड एक्सिस के अलोंग। तो यहाँ से इसको लिखेंगे डेल्टा वी एक्स अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा वी एक्स इंटू आई कैप अपॉन डेल्टा टी। यहाँ पे क्या है? मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन। यहाँ पे मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो क्या लिख दिए? आई कैप। हो सकता है कि बॉडी एक्स वाई प्लेन में मूव करे, किसमें? तो ए एवरेज इक्वल टू क्या लिखेंगे? ए एवरेज इक्वल्स टू, यहाँ पे जो वेलोसिटी आएगा डेल्टा वी एक्स प्लस डेल्टा वी वाई अपॉन डेल्टा टी। इसको हम लोग चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं अलग अलग करके, डेल्टा वी एक्स अपॉन डेल्टा टी प्लस डेल्टा वी वाई अपॉन डेल्टा टी। इसको और कैसे लिख सकते हैं? मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन अलग कर दें तो डेल्टा वी एक्स इनटू आई कैप और डेल्टा टी प्लस डेल्टा वी वाई इनटू जे कैप अपॉन डेल्टा टी। तो यह एक्स कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट है। एक्स कंपोनेंट रहेगा उसके साथ डायरेक्शन क्या रहेगा? आई कैप। वाई कंपोनेंट रहेगा उसके साथ जे कैप। अगर बॉडी 3D में मूव कर रही है तो ए एवरेज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? ए एवरेज इक्वल्स टू डेल्टा वी एक्स वेक्टर प्लस डेल्टा वी वाई वेक्टर प्लस डेल्टा वी जेड वेक्टर अपन क्या लिखेंगे? डेल्टा टी। क्या लिख देंगे? डेल्टा टी इक्वल्स टू, यहाँ से क्या लिखेंगे भाई? अलग अलग कर देंगे, डेल्टा वी एक्स अपॉन डेल्टा टी प्लस डेल्टा वी वाई वेक्टर अपॉन डेल्टा टी प्लस डेल्टा वी जेड वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। वी जेड वेक्टर अपॉन डेल्टा टी, इसको जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे?
डेल्टा वी एक्स अपॉन डेल्टा टी इंटू आई कैप प्लस इसको लिखेंगे डेल्टा वी वाई अपॉन डेल्टा टी इंटू जे कैप प्लस डेल्टा वी जेड अपॉन डेल्टा टी इंटू के कैप। क्या लिख देंगे? के कैप। यक्स डायरेक्शन के अलोंग है, वाई डायरेक्शन के अलोंग और जेड डायरेक्शन के अलोंग। ये है कौन सा कंपोनेंट? यक्स कंपोनेंट, वाई और जेड कंपोनेंट। इसे ऐसे लिख सकते हैं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। तो इस वेक्टर के कितने कंपोनेंट होंगे? तीन। अगर बॉडी 3D मोशन कर रही है तो एक्सेलरेशन के भी तीन कंपोनेंट होंगे, एक्स वाई एंड जेड कंपोनेंट। तो ये था ए एवरेज। अब ये देखते हैं कि इस पर क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में अगर कोई पार्टिकल है वी वेक्टर इक्वल्स टू उसका इनिशियल स्पीड, वी इनिशियल इक्वल्स टू दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस 4k कैप मीटर पर सेकेंड। क्या गिवन है? मीटर पर सेकेंड। एंड जो वी फाइनल है वह है आई कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप, ये भी दिया है मीटर पर सेकेंड। और इसकी वेलोसिटी वी इनिशियल से वी फाइनल होने में कितना टाइम लगा? डेल्टा टी इक्वल्स टू 4 सेकेंड। डेल्टा टी इक्वल टू 4 सेकेंड। तो कह दे एवरेज एक्सेलरेशन और उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कीजिए। फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन एंड इट्स मैग्नीट्यूड, इट्स मैग्नीट्यूड। कैसे फाइंड करेंगे भाई? दो चीज़ें फाइंड करनी है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी दिया है, डेल्टा टी दिया है। कैसे फाइंड करेंगे? ए एवरेज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन डेल्टा टी, अपॉन क्या हो जाएगा? डेल्टा टी। तो वी फाइनल कितना है? वी फाइनल हुआ आई कैप प्लस वी फाइनल जो गिवन है हमारा आई कैप प्लस 4j कैप, आई कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या गिवन है? इनिशियल है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप अपान। यहाँ पे डेल्टा टी की वैल्यू कितना गिवन है? डेल्टा टी इक्वल्स टू गिवन है 4 सेकेंड। क्या गिवन है? 4 सेकेंड इक्वल्स टू आई कैप में से 2i कैप सब्सट्रैक्ट कर दें तो माइनस आई कैप, 4j कैप में से 3j कैप सब्सट्रैक्ट कर दें प्लस जे कैप और माइनस 3 और माइनस 4 माइनस 7k कैप। क्या हो जाएगा? माइनस 7k कैप अपान क्या हो जाएगा? 4। या ए एवरेज हुआ। क्या हुआ? ए एवरेज। अब हमें इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। कह रहे थे सबसे पहले फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन, ये मिल गया, एंड इट्स मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है। तो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे? फाइंड करना हम लोग जानते हैं। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे भाई? यहाँ पे ए एवरेज की जो वैल्यू आई है वो कितना है? माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस 7k कैप अपान क्या गिवन है? 4। तो जब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो ए एवरेज इक्वल टू हो जाएगा 1/4, अलग हो जाएगा रूट में 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, आई का कोएफिशिएंट माइनस 1 है फिर स्क्वायर करेंगे प्लस 1 हो जाएगा, जे का कोएफिशिएंट 1 है 1 स्क्वायर प्लस के का कोएफिशिएंट 7 है माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर हो जाएगा 1/4। रूट में क्या लिखेंगे? 1 प्लस 1 प्लस 49 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1/4 अंडर रूट 51 इक्वल्स टू अंडर रूट 51 बाई क्या लिखेंगे? 4। तो इसका जो एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट 51 बाई 4 हो जाएगा। अगेन इसमें यह भी क्वेश्चन कर सकता था कि जो एक्सेलरेशन होगा वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस और पॉजिटिव जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा। तो कैसे हम लोग फाइंड करेंगे? लेट एंगल मेड में एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे जो एक्सेलरेशन ए है वह एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ कितना कितना एंगल बनाया? ए वेक्टर है, ए बना रहा है अल्फा एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ क्या बना रहा है? बीटा, और जेड एक्सिस के साथ क्या बना रहा है? गामा। तो कैसे हम लोग फाइंड करेंगे अल्फा बीटा और गामा? तो यहाँ से हम लोग जानते हैं कास अल्फा इक्वल्स टू, कास अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? आई का कोएफिशिएंट अपॉन टोटल मैग्नीट्यूड। आई का कोएफिशिएंट क्या है? माइनस 1/4। क्यों? क्योंकि इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस आई बाई फोर
अलग अलग कर देते हैं, प्लस जे कैप बाई फोर, और ये क्या लिखेंगे, माइनस सेवन के कैप बाई फोर, ऐसे लिख सकते हैं। तो जब इतना लिखेंगे तो हमें वैल्यू कितनी ऑब्टेंड हो जाएगी, अपान अंडर रूट में 51 अपान 4, अंडर रूट 51 बाई 4, इसको लिखेंगे तो हो जाएगा माइनस 1 बाई 4 इंटू 4 बाई अंडर रूट 51, यह कैंसिल हो जाएगा माइनस 1 बाई अंडर रूट 51। तो यहाँ से कॉस अल्फा की वैल्यू अभी हमें मालूम है, कॉस अल्फा इक्वल्स टू माइनस 1 बाई अंडर रूट 51, और अल्फा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स माइनस 1 बाई अंडर रूट 51। ए पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एक्सेलरेशन ए एंगल बनाएगा वह फाइंड किया गया है। अब देखते हैं पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बनेगा, तो वो कॉस बीटा फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, कॉस बीटा। कैसे फाइंड करेंगे, कॉस बीटा इक्वल्स टू क्या लिखेंगे यहाँ से, जे का कोएफिशिएंट 1 बाई 4 अपान ए का मैग्नीट्यूड, टोटल हम लोग कितना फाइंड किए थे, मॉड ऑफ ए अंडर रूट 51 अपान 4, 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा 1 बाई अंडर रूट 51। यहाँ से बीटा इक्वल्स टू हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 बाई अंडर रूट 51, क्या हो जाएगा अंडर रूट 51। नेक्स्ट हम लोग क्या फाइंड करेंगे, कास गामा। कास गामा कैसे फाइंड करेंगे भाई, देख लेते हैं इसको। तो जब भी यहाँ से कास गामा फाइंड करेंगे तो लिखेंगे के कैप का कोएफिशिएंट माइनस 7 बाई 4 अपान अंडर रूट 51 बाई 4, 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा माइनस 7 अपान अंडर रूट 51 हो जाएगा। तो यहाँ से गामा की वैल्यू कितना हो जाएगा, गामा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स माइनस 7 अपान अंडर रूट 51। तो ये अभी हम लोग क्या फाइंड किए, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, और एक्सेलरेशन जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा उसको फाइंड किए। अब देखते हैं जरा एक्सेलरेशन को और कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर गिवेन हो कोई क्वेश्चन, ऐसे एज्यूम कर लिया जाए कोई पार्टिकल है वह ए से बी तक यहाँ मूव कर रहा है, यहाँ पे उसकी स्पीड दिया है 5 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे उसकी स्पीड दिया है 5 मीटर पर सेकेंड। स्पीड कॉन्स्टेंट है लेकिन वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, क्यों चेंज होगी, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, यह एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है, ये कौन सा एक्सिस है एक्स एक्सिस, ये कौन सा एक्सिस है वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और पार्टिकल मूव करते हुए यहाँ तक भी आ गया, यहाँ पर भी इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है और यहाँ पर भी इसकी स्पीड कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड है। अब कहा दे कि पार्टिकल ए से मोशन करते हुए कहाँ तक गया, बी तक, बी से मोशन करते हुए कहाँ तक गया, सी तक, सी से मोशन करते हुए कहाँ तक गया, डी तक। तो कह दीजिए ए से जब मोशन करते हुए बी तक पहुँच जाएगा तो इसका एक्सेलरेशन कितना लगेगा, जबकि हमें टाइम दिया है यहाँ से यहाँ तक, इच 1/4 पार्ट चलने में 2 सेकेंड इसमें भी लगा, 2 सेकेंड इसमें भी लगा, 2 सेकेंड इसमें भी लगा, और 2 सेकेंड इसमें भी लगा। तो हम लोग यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी फाइंड कर लेंगे ए टू बी, कैसे फाइंड करेंगे सोल्यूशन में, इन मोशन फर्स्ट में, इन मोशन फ्रॉम ए टू बी, मोशन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक जब मोशन होगा तो v इनिशियल कैसे फाइंड करेंगे, v इनिशियल कहाँ से स्टार्ट किया, v a से, v a जो होगा v इनिशियल होगा, यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना दिया है 5, लेकिन डायरेक्शन किधर है y एक्सिस के, पॉजिटिव y एक्सिस के अलॉन्ग, ये पॉजिटिव x एक्सिस है, निगेटिव x एक्सिस है, पॉजिटिव y एक्सिस है, निगेटिव y एक्सिस है। तो v a वेक्टर जब लिखेंगे तो मैग्नीट्यूड कितना है 5, डायरेक्शन क्या है j कैप, और यहाँ पे अगर फाइनल वेलोसिटी लिखे तो v फाइनल का मतलब vb, क्या लिखेंगे vb, जब पार्टिकल बी पर चला जाए तो भी उसका जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, हैंस स्पीड 5 है, और डायरेक्शन किधर हो जाएगा माइनस आई कैप, क्या हो जाएगा माइनस आई कैप, तो लिखेंगे माइनस 5 आई कैप। तो टोटल जो चेंज हो जाएगा ए टू बी में मोशन में, चेंज इन वेलोसिटी इन मोशन फ्रॉम ए टू बी, इन मोशन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी में जो मोशन होगा उसमें चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डेल्टा वी इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, वी फाइनल का मतलब वी बी वेक्टर माइनस वी ए वेक्टर, और वी बी वेक्टर की वैल्यू यहाँ पे क्या दिया है माइनस 5 आई कैप, और ये क्या है माइनस 5 आई कैप, और माइनस वी ए वेक्टर की वैल्यू कितना है माइनस 5 जे कैप, डेल्टा वी इक्वल्स टू। तो अभी हम चेंज इन वेलोसिटी फाइंड किए ए टू बी मोशन में,
अब टाइम कितना लगा, डेल्टा टी इक्वल्स टू कितना गिवेन है यहाँ पे, 2 सेकेंड, कितना गिवेन है 2 सेकेंड। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो जाए, एवरेज एक्सेलरेशन ए एवरेज इक्वल्स टू हो जाएगा डेल्टा वी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा वी वेक्टर की वैल्यू कितना गिवेन है यहाँ से, डेल्टा वी वेक्टर की वैल्यू गिवेन है -5i cap -5j cap अपॉन 5 चाहे तो कॉमन कर सकते हैं। तो जब 5 कॉमन कर लेंगे तो क्या बच जाएगा, -i cap -j cap अपॉन 5, 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा तो -i cap -j cap ए एवरेज हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए एवरेज। क्या अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन को, यहां पे गिवन है कि कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है और ए से बी तक, बी से सी तक, सी से डी तक, अगेन ए तक आता है, और ए पर भी उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है, बी पर भी 5 मीटर पर सेकेंड, सी पर भी और डी पर भी, और इच 1/4 पार्ट को कवर करने में 2 सेकेंड का टाइम लगता है। तो कह रहे ए से बी तक जाने में एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, ए से सी तक जाने में एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा। तो यहाँ पर ये ध्यान देना है कि स्पीड भले ही कॉन्स्टेंट हो, हर जगह 5 और 5 हो, लेकिन वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। वेलोसिटी किसकी वजह से चेंज होगा, चेंज इन डायरेक्शन की वजह से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो डायरेक्शन है वह पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग है और यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो निगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। तो मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट डिफरेंट होने की वजह से वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, और वेलोसिटी चेंज होने का मतलब पार्टिकल में एक्सेलरेशन आ जाएगा। अभी इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक्सेलरेशन का काम क्या होता है। एक्सेलरेशन का काम होता है वेलोसिटी को बढ़ा देना या घटा देना। अगर पूरे फिजिक्स में कहीं पर भी एक्सेलरेशन आया है तो वेलोसिटी को जरूर चेंज करेंगे, या इनडायरेक्टली कर सकते हैं कि अगर कहीं भी वेलोसिटी चेंज हो रही तो समझ जाएं कि एक्सेलरेशन आ गया। किसी भी क्वेश्चन में अगर कहीं वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो सबसे पहला काम करते हैं उसका एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं। क्यों, क्योंकि बिना एक्सेलरेशन का वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो सकता है। तो एक्सेलरेशन का काम क्या होता है, वेलोसिटी में चेंज कर देना, और अगर वेलोसिटी में चेंज दिया है तो हमको खुद समझना पड़ेगा कि एक्सेलरेशन आ चुका है। तो यहाँ पर अगर वेलोसिटी चेंज हुआ है तो एक्सेलरेशन है, यहाँ पे क्या मैग्नीट्यूड चेंज हुआ है, नहीं, डायरेक्शन में चेंज की वजह से वेलोसिटी चेंज हो रही है। अगर यहीं पे एवरेज एक्सेलरेशन हम लोग कहाँ से कहाँ तक के लिए फाइंड करते, ए से लेकर के इन मोशन फ्रॉम ए टू सी, ए पर क्या लिखोगे, वी ए वेक्टर इक्वल्स टू 5, और की डायरेक्शन में जा रहा है 5j है, और वी सी वेक्टर यहाँ पे तो क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड क्या है 5, तो 5 इंटू की डायरेक्शन में जा रहे हैं माइनस जे कैप, ये प्लस जे कैप है क्या है, तो -5j कैप। अब क्या कह दिया जाए, यहाँ पे जो पार्टिकल जा रहा था वो प्लस जे डायरेक्शन में जा रहा था, लेकिन यहाँ पे पार्टिकल किधर जा रहा है, माइनस जे डायरेक्शन में, दोनों जगह पे मैग्नीट्यूड सेम है। तो कह दिया चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाए, चेंज इन वेलोसिटी फ्रॉम मोशन ए टू बी, क्या लिखेंगे, वी सी माइनस वी ए फाइनल माइनस इनिशियल, और टाइम टोटल कितना लग जाएगा, यहाँ पे टाइम जो टोटल लगेगा 2 सेकेंड इसमें लगा है, 2 सेकेंड इसमें लगा है, 4 सेकेंड लगेगा। लेकिन जरा ये देखते हैं कि ये वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ, वी सी की वैल्यू दिया है 5j cap माइनस 5j cap, तो डेल्टा वी वेक्टर इक्वल्स टू यहाँ से हो जाएगा 10j cap, क्या आ जाएगा 10j cap, और जो डेल्टा टी लगेगा 2 सेकेंड और 2 सेकेंड कितना हो जाएगा, वो 4 सेकेंड हो जाएगा, डेल्टा टी इक्वल्स टू 4 सेकेंड। अब यहाँ से कह दिया जाए एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ए एवरेज इक्वल्स टू डेल्टा वी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा वी वेक्टर की वैल्यू कितना गिवन है यहाँ पे 10j cap, और ये 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5/2j cap हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5/2j cap हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि अगर ए से लेकर के डी तक मोशन करे पार्टिकल इन मोशन फ्रॉम ए टू डी, तो एक्सेलरेशन को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या दिया है, वी ए
वी ए इक्वल्स टू लिखेंगे यहाँ पे, या मैग्नीट्यूड है 5 और डायरेक्शन जे कैप के रहा हूँ, तो 5 जे कैप और फाइनल क्या हो जाएगा वी डी वेक्टर इक्वल्स टू 5, डायरेक्शन किधर है आई कैप के रहा हूँ, तो आई कैप। अब कह दिया जाए चेंज इन वेलोसिटी फ्रॉम मोशन ए टू डी, ए टू डी मोशन में चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, तो फाइनल वेलोसिटी क्या है बच्चों डी, इनिशियल वेलोसिटी क्या है ए, तो लिखेंगे वी डी माइनस वी ए, और यहाँ पे डी और ए क्या गिवन है इसको देख लेते हैं, वी डी और ए क्या गिवन है, तो डेल्टा वी वेक्टर इक्वल्स टू वी डी वेक्टर 5 आई कैप क्या है 5 आई कैप माइनस वी ए वेक्टर कितना है 5 जे कैप क्या है 5 जे कैप, तो डेल्टा वी इक्वल्स टू हम लोग यहाँ से लिखेंगे 5 कॉमन कर सकते हैं आई कैप माइनस जे कैप, क्या लिखेंगे आई कैप माइनस जे कैप, और यहाँ से यहाँ तक टोटल टाइम कितना लगा 2 to 4 to 6, डेल्टा टी इक्वल्स टू 6 सेकेंड, डेल्टा टी इक्वल्स टू क्या लगेगा 6 सेकेंड, हैंस एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा एवरेज एक्सेलरेशन ए एवरेज इक्वल्स टू हो जाएगा डेल्टा वी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा वी वेक्टर कितना हो जाएगा 5 आई कैप माइनस जे कैप अपॉन कितना हो जाएगा 6। तो इस तरह हम लोग इस पूरे मोशन के लिए एवरेज एक्सेलरेशन का कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब देखते हैं जरा कि जो वेलोसिटी की डायरेक्शन, जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है वो किधर होता है, वैसे हम लोग एक अलग वीडियो में डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के डायरेक्शन पे चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बस इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है वह वेलोसिटी के डायरेक्शन में न होकर चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में होती है। डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन इज इन डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन, ये फर्स्ट पॉइंट में हम लोग याद कर सकते हैं ए पॉइंट में, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज इन डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी नॉट इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, नॉट इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी, इसका मीनिंग मैं बता रहा हूँ। जैसे अगर कह दिया जाए कोई बाइक स्टार्ट किया जाए और उसकी वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं, तो जिस समय उसकी वेलोसिटी बढ़ रही होती है उस समय एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होगा वेलोसिटी के डायरेक्शन में हो रहा है। अगर कह दिया वेलोसिटी इंक्रीज करें वी इंक्रीज इंक्रीजिंग, अगर वी इंक्रीजिंग है तो डेल्टा वी की डायरेक्शन भी इधर ही होगी, चेंज इन वेलोसिटी की भी डायरेक्शन इधर होगी, तो जिधर चेंज इन वेलोसिटी होगा उधर ही क्या होगा ए होगा एक्सेलरेशन। तो हमें याद रखना है कि जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में, लेकिन जिस समय हम लोग बाइक को ब्रेक करते हैं ब्रेक मारते हैं उस समय क्या होता है, जैसे ही ब्रेक मारेंगे तो बाइक धीरे धीरे रुकना शुरू हो जाती है, उस समय वेलोसिटी तो आगे लग रहा होता है लेकिन एक्सेलरेशन किधर लग रहा होता है पीछे, एक्सेलरेशन किधर लग रहा होता है पीछे। तो कैसे इसको फाइंड करेंगे, अगर यहाँ पे कोई वेलोसिटी दिया है वी और ये कह रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है डिक्रीजिंग है, तो यहाँ पे जो डेल्टा वी होगा इसके डायरेक्शन में नहीं होगा अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, डेल्टा वी किधर हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, डेल्टा वी इधर हो जाएगा और जिधर डेल्टा वी होगा उधर ही क्या हो जाएगा ए एक्सेलरेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन। तो हमें इस बात को याद रखना है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में होती है वेलोसिटी के डायरेक्शन में नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी इधर है तो एक्सेलरेशन इधर है, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी इधर है फिर भी एक्सेलरेशन इधर है, और जहाँ पर भी एक्सेलरेशन आएगा वह या तो वेलोसिटी को इंक्रीज कर देगा या तो डिक्रीज करेगा। एक कब इसको इंक्रीज करेगा, जब वेलोसिटी की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन रहेगा तो इसको इंक्रीज कर देगा, और जब भी वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा तो इसको क्या करेगा डिक्रीज कर देगा। पूरे फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय हम लोग इस बात का ध्यान देंगे कि कहीं वेलोसिटी तो नहीं चेंज हो रही है, जैसे ही वेलोसिटी चेंज होगी वैसे ही हम लोग एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, वो देगा नहीं कि एक्सेलरेटेड है बॉडी, हमको खुद कैच करना पड़ेगा कि बॉडी एक्सेलरेटेड है। यहाँ पे वेलोसिटी जब डिक्रीज करती है तो इसे एक्सेलरेशन बोलते हैं, इसे रिटार्डेशन बोलते हैं, रिटार्डेशन। जब स्पीड घट रहा होता है उस समय एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं रिटार्डेशन। सेकेंड वही पॉइंट हमें याद रखना है कि एक्सेलरेशन का काम क्या होता है, एक्सेलरेशन का जो ए का काम होता है या तो वी को इंक्रीज करेगा या तो वी को डिक्रीज करेगा, वी को
डिक्रीज करेगा। इसका यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर SI यूनिट होता है। क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या देखेंगे भाई? कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा, कौन सा इंस्टेंटेनियस, उसके बाद क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं कुछ। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, टेनियस एक्सेलरेशन, तो हम लोग इसके पहले इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ चुके हैं। उसमें हम लोग देखे थे किसी भी इंस्टेंट पे स्पीड को इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं और किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। और दोनों में उसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या था? एवरेज का जो वैल्यू होता था, एवरेज स्पीड का जो लिमिटिंग वैल्यू होता था उसे इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते थे और एवरेज वेलोसिटी का जो इंस्टेंटेनियस या लिमिटिंग वैल्यू था उसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। सिमिलरली वैसे यहाँ पे किसी भी इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन को क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट, इंस्टेंट इज कॉल्ड इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और मैथमेटिकली क्या लिखेंगे? एवरेज एक्सेलरेशन के लिमिटिंग वैल्यू को, किसको? लिमिटिंग वैल्यू को। हैंस ए इंस्टेंटेनियस इक्वल्स टू लिखेंगे लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो एंड ए एवरेज, क्या लिखेंगे? ए इंस्टेंटेनियस इक्वल्स टू लिखेंगे लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो ए एवरेज, और ए एवरेज की वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, ए एवरेज की वैल्यू है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। जैसे ही ये डेल्टा हटेगा वैसे ही डी हो जाता है, तो डी वी अपॉन क्या हो जाएगा? डी टी। ये वेक्टर फॉर्म में ए इंस्टेंटेनियस इक्वल्स टू, अगर हम लोग इसको केवल न्यूमेरिकली लिखें तो ए इंस्टेंटेनियस इक्वल टू क्या आ जाएगा? डी वी अपॉन डी टी। इस फॉर्मूले का हम लोग क्वेश्चन में बहुत सारा यूज करेंगे। पहला यूज क्या होता है? अगर हमें यहाँ पे वेलोसिटी गिवन है तो हम लोग एक्सेलरेशन फाइंड कर लेंगे, लेकिन कहीं पर अगर एक्सेलरेशन गिवन है तो वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे? तो यहाँ पे डी वी वेक्टर इक्वल्स टू लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ए इंस्टेंटेनियस इंटू डी टी, ए इंस्टेंटेनियस इंटू डी टी, और दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर देंगे। लेकिन इंटीग्रेशन करते समय हम लोग क्या ध्यान देंगे? इंटीग्रेशन डी वी इक्वल्स टू ए इंस्टेंटेनियस इंटू डी टी। इंटीग्रेशन करते हम लोग ये ध्यान देंगे यहाँ पे टी इक्वल टू जीरो है, जीरो टाइम पर हो सकता है कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो या हो सकता है कि इनिशियल वेलोसिटी कुछ दे दे। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं यू है, क्या है? टी इक्वल टू जीरो पर इनिशियल वेलोसिटी क्या है? जीरो। तो जैसे यार डी टी के पिछले वीडियो में बताए थे लिमिट किसका रखते हैं? जिसके साथ डी लगा है, डी टी। तो टाइम का लिमिट लिखेंगे, एक्सेलरेशन का नहीं। कहाँ से कहाँ तक? टी इक्वल टू जीरो पर मोशन स्टार्ट हुआ, यहाँ पे इनिशियल स्पीड क्या है? यू। और यहाँ पे फाइनल एज्यूम कर लेते हैं वी हो गया टी इक्वल्स टू टी पर। तो जैसे ही यहाँ पे जीरो टू टी, जीरो टू टी, तो यू टू वी, यू टू क्या हो जाएगा? वी। यह हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा जब लिमिट लिखेंगे उस दौरान, जब जिस टाइम पर हम लोग जो टाइम लेंगे उसी टाइम पर इधर लिमिट में वेलोसिटी लेंगे, जो टाइम लेंगे उसी टाइम पर इधर लिमिट में, इसे लोअर लिमिट, इसे क्या बोलेंगे? अपर लिमिट। इंटीग्रेशन में क्या बोलेंगे? लोअर एंड अपर लिमिट। तो अब जरा हम लोग इस पर बेस्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन? उसके पहले थोड़ा ग्राफ में देख लेते हैं। वैसे हम लोग ग्राफ का स्टडी बहुत डिटेल में अलग वीडियो में करेंगे, लेकिन यहाँ पे फिलहाल थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। यहाँ पे अगर वेलोसिटी गिवेन है, क्या गिवेन हो? वेलोसिटी। और यहाँ पे क्या गिवेन हो? टाइम टी। और ए एवरेज फाइंड करना हो तो यहाँ टी वन टाइम है, टी वन टाइम पर वेलोसिटी क्या है? वी वन है। और यहाँ पे टी टू टाइम है, कौन सा टाइम है? टी टू टाइम है। और यहाँ पे वेलोसिटी क्या है? वी टू है। क्या है? वी टू है। तो कह दीजिए एवरेज एक्सेलरेशन कैसे हम लोग फाइंड करेंगे? तो ये टोटल एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज
एवरेज एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे? ए एवरेज इक्वल्स टू लिखते हैं डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा वी का मतलब हुआ वी टू वेक्टर माइनस वी वन वेक्टर, या केवल मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं तो वी टू माइनस वी वन अपॉन क्या लिख देंगे टी टू माइनस टी वन, टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम इंटरवल। इसके बाद अगर कह दिए जाए इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन फाइंड करना है, वो कैसे फाइंड करेंगे? इंस्टेंटेनियस तो किसी इंस्टेंट पे होता है, ये ज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे टी को इंस्टेंट है, इस पर हमें फाइंड करना है। तो यहाँ से क्या करेंगे, एक लाइन ड्रा करेंगे किसके, वेलोसिटी एक्सिस के पैरेलल। वेलोसिटी एक्सिस के पैरेलल क्या करेंगे, एक लाइन ड्रा करेंगे। ये लाइन जहाँ पर भी ग्राफ को कट करेगा वहाँ पे जो टेंजेंट ड्रा करेंगे, इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा, टेंजेंट टेंजेंट और इसका जो यहाँ पे स्लोप होगा वही हो जाएगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। क्या हो जाएगा? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ए इंस्टेंटेनियस इक्वल टू हो जाएगा टेन थीटा। क्या हो जाएगा? टेन थीटा। आगे हम लोग डिटेल में इसका स्टडी करेंगे। अब हम लोग देखते हैं जरा इस पर बेस्ट क्वेश्चन कैसे आ सकता है। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या क्या गिवन हो सकता है। जैसे यहां पे क्वेश्चन गिवन है हमें, एट टी इक्वल टू जीरो, एट टी इक्वल्स टू जीरो ए बॉडी स्टार्ट। क्वेश्चन क्या गिवन है, एट टी इक्वल्स टू जीरो ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन। कहाँ से स्टार्ट करती है? ओरिजिन से स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन विथ सम इनिशियल वेलोसिटी, विद सम इनिशियल वेलोसिटी, लेकिन ये गिवन नहीं है इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी द डिस्प्लेसमेंट x इज गिवन बाय, डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय, डिस्प्लेसमेंट एक इक्वेशन द्वारा गिवन है, डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय x इक्वल्स टू माइनस टू बाई थ्री, माइनस टू बाई थ्री टी स्क्वायर प्लस सिक्सटीन टी प्लस टू। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी, वेलोसिटी ऑफ बॉडी। उसके साथ साथ कुछ और हमें पूछा है, एंड आल्सो फाइंड हाउ लॉन्ग डज द बॉडी टेक टू कम इन रेस्ट, एंड आल्सो फाइंड हाउ लॉन्ग बॉडी विल टेक टू कम इन रेस्ट। साथ ही साथ लास्ट में पूछा है व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी व्हेन इट कम टू रेस्ट, कह रहे कि जब यह रेस्ट में आएगा तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी व्हेन इट कम टू रेस्ट, इट कम टू रेस्ट, जब ये रेस्ट में आए तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। सॉल्यूशन कैसे करेंगे भाई, देखते हैं। सबसे पहले हमें दिया है डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन गिवेन है, क्या क्या फाइंड करें, ए टी इक्वल टू जीरो, यहाँ पे गिवेन है कि जब टी इक्वल टू जीरो रहेगा उस समय इसकी इनिशियल स्पीड कुछ रहेगी, बॉडी स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, लेकिन यहाँ पे एक्स इक्वल टू क्या रहा होगा जीरो, इसका इनिशियल डिस्प्लेसमेंट क्या रहा होगा जीरो, ये ओरिजिन से चल रहा है टी इक्वल्स टू जीरो पर, लेकिन इसका इनिशियल स्पीड यू समथिंग है। और क्या गिवेन हमें, कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट इज गिवेन बाय एक्स इक्वल टू टाइम के इक्वेशन के रूप में गिवेन है, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी। इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, पहले यहाँ वेलोसिटी ऑब्टेन कर लेते हैं, तो एक्स इक्वल्स टू गिवेन हमें माइनस टू बाई थ्री टी स्क्वायर प्लस सिक्सटीन टी और प्लस टू, डिस्प्लेसमेंट गिवेन है तो वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं भाई,
वेलोसिटी वी इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ डी टी, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं, तो डी डी टी अलग हो जाएगा और एक्स की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं। ये वेलोसिटी की डिफिनेशन थी, डी डी टी अलग हो गया, एक्स के प्लेस पे क्या रख दें, माइनस टू बाई थ्री टी स्क्वायर प्लस 16t और प्लस क्या लिखेंगे टू, प्लस क्या लिखेंगे टू। तो इसे जब इंटीग्रेट करेंगे माइनस टू बाई थ्री और टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है टू टी, जब इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस टू बाई थ्री कॉन्स्टेंट है, पावर पर आ जाएगा टू और क्या हो जाएगा टी, और प्लस 16t का 16 हो जाएगा, टी का क्या हो जाएगा वन, और कॉन्स्टेंट का क्या हो जाता है जीरो। तो कह रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या रही होगी, इनिशियल वेलोसिटी मतलब टी इक्वल टू जीरो पर, जो वेलोसिटी टी इक्वल टू जीरो पर रहा होगा वही तो इनिशियल वेलोसिटी रहा होगा। तो एट टी इक्वल टू जीरो इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू यहां से क्या हो जाएगा भाई यू इक्वल टू, अब वी के प्लेस पे वी लिख देते हैं, यहां पे जीरो हो जाएगा, माइनस टू बाई थ्री इंटू टू इंटू जीरो और प्लस 16 इक्वल टू 16 मीटर पर सेकेंड, अगर ये मीटर पर सेकेंड में गिवन रहेगा तो, या यूनिट लिख देंगे जो भी गिवन रहेगा, यहाँ पे यूनिट ही रहने देते हैं क्योंकि इसका यूनिट हमें मालूम नहीं है अभी। तो यहाँ पे टोटल जीरो हो जाएगा, क्या बच जाएगा बच्चों 16, क्या बच जाएगा 16। अब हमें पहला क्वेश्चन हो गया, कह रहे कि फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी, ये हो चुका है, एंड आल्सो फाइंड हाउ लॉन्ग बॉडी विल टेक टू कम इन रेस्ट, ये दूसरा क्वेश्चन है, बॉडी कितने टाइम में रेस्ट में आ जाएगी। तो पिछले वीडियो में भी हम लोग ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किए थे, कब रेस्ट में आएगी, जब वेलोसिटी क्या हो जाए जीरो, क्या हो जाए जीरो। तो फर्स्ट था, अब हम लोग सेकेंड सॉल्व करते हैं, व्हेन वी इक्वल्स टू जीरो, व्हेन बॉडी कम्स इन रेस्ट, कम इन रेस्ट क्या लिखेंगे, जब बॉडी रेस्ट में आएगी तो वी इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा, वी इक्वल्स टू जीरो होने का मतलब माइनस 40 अपॉन 3 प्लस 16, माइनस 40 ये हो जाएगा अपॉन 3, माइनस 40 अपॉन 3 और प्लस 16 इक्वल टू क्या आ जाएगा जीरो, 16 को उधर कर देते हैं तो यहाँ पे क्या ऑप्टेंड हो जाएगा 40 अपॉन 3 इक्वल टू 16, या t इक्वल टू हो जाएगा 16 इंटू 3 अपॉन क्या हो जाएगा 4, तो 4 से डिवाइड हो जाएगा 4, ये क्या 12 सेकेंड पर रेस्ट में आ जाएगी बॉडी, 12 सेकेंड पे बॉडी किस में आ जाएगी रेस्ट में। अब हम लोग यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व करें, व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी व्हेन इट कम टू रेस्ट, करें जब बॉडी रेस्ट में आ जाएगी उस समय इसका एक्सेलरेशन क्या रहा होगा, तो एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे, रेस्ट वाला टाइम हमें मालूम हो गया है, वेलोसिटी हमें मालूम ही है, इसका बस क्या कर देंगे डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, तो अगेन हमें क्या ऑब्टेन हो जाएगा थर्ड में एक्सेलरेशन ए इक्वल्स टू, एक्सेलरेशन ए इक्वल्स टू डी डी टी आर वी, डी वी अपॉन डी टी होता है, तो डी डी टी और वी की वैल्यू कितना ऑप्टेंड हो जाएगा माइनस 4 अपॉन 3 टी प्लस 16, जब इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस 4 बाई 3 अलग हो जाएगा और टी का 1 हो जाएगा प्लस 0, तो क्या हो जाएगा माइनस 4 बाई 3 यूनिट। तो जब कहेगा कि इनिशियल वेलोसिटी फाइंड कीजिए तो टी इक्वल टू 0 लेंगे, कहेगा बॉडी कब रेस्ट में आ जाएगी तो वी इक्वल टू 0, और जिस टाइम पे हमें एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए कहेगा वो टाइम भी सिंपली क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें अगर वेलोसिटी दे दिया हो तो दो चीज़ें पूछ सकता है, एक्सेलरेशन पूछ सकता है और डिस्प्लेसमेंट। अगर हमें वी दिया है, जैसे एक्स सबसे पहले पढ़े डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद हम लोग वी पढ़े थे, उसके बाद क्या पढ़े ए, तो जब ए दिया रहेगा तो ए के पहले वाला फाइंड कर लेंगे, वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, और जब भी दिया है तो भी के बाद वाला और भी के पहले वाला दोनों फाइंड कर सकते हैं, और जब एक्स दिया है तो वी फाइंड कर सकते हैं। एक ग्राफ जब हम लोग पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे, अगर एक्सेलरेशन दिया है तो हम लोग वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, वेलोसिटी के बाद डिस्प्लेसमेंट, अगर डिस्प्लेसमेंट तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। अब हम लोग एक ऐसा क्वेश्चन देखते हैं जिसमें वेलोसिटी गिवेन हो और डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे, इसको जरा देखते हैं। तो डिफिनी सबसे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, अगर v इक्वल टू क्या होता है डी डी टी ऑफ x, तो यहाँ से अगर x गिवेन है तो वेलोसिटी फाइंड कर लेंगे, और अगर हमें क्या गिवेन हो v गिवेन हो तो डी एक्स इक्वल्स टू v इंटू डी टी, v इंटू क्या हो जाएगा dt, तो यहाँ से d
डी एक्स इक्वल्स टू हो जाए इंटीग्रेशन वी इंटू डी टी। तो अगर हमें वेलोसिटी गिवन है तो एक्स फाइंड कर लेंगे, लिमिट लिखना हम लोग पीछे सीख चुके। सिमिलरली अगर हमें क्या गिवेन हो, एक्सेलरेशन गिवेन हो डी वी डी डी टी अपॉन वी, इसको फाइंड कर सकते हैं। अगर वेलोसिटी गिवेन हो तो एक्सेलरेशन फाइंड कर लेंगे, और अगर एक्सेलरेशन गिवेन हो तो वेलोसिटी फाइंड कर लेंगे दोनों साइड का इंटीग्रेशन करके, इक्वल्स टू ए इंटू डी टी। ए इंटू क्या कर देंगे, डी टी। तो अगर डिस्प्लेसमेंट गिवेन है तो वेलोसिटी फाइंड कर लेंगे, वेलोसिटी गिवेन है तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लेंगे, वेलोसिटी गिवेन है तो एक्सेलरेशन फाइंड कर लेंगे, एक्सेलरेशन गिवेन है तो वेलोसिटी। कभी कभी हमें डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा, कभी कभी हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। तो पीछे हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स में इसका स्टडी कर चुके हैं, आप लोग जाकर इंटीग्रेशन और डिफ्रेंसिएशन देख सकते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग इसी पर बेस्ड लिखते हैं और देखते हैं उसका सोल्यूशन कैसे ऑप्टेन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा गिवेन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर गिवेन है, एज्यूम कर लेते हैं कोई पार्टिकल एक्स इक्वल टू किस पर मोशन स्टार्ट किया, सॉरी यहाँ पे गिवेन है एक्सेलरेशन गिवेन है ए इक्वल्स टू टू माइनस वन बाई टेन और टी, और सभी यूनिट एसआई यूनिट है, जो भी यूनिट यूज किया गया है सबके सब क्या है, एसआई। पूरा कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है, ए इक्वल टू टू माइनस टी बाई टेन और एसआई यूनिट में यूज किया गया है, और गिवन क्या है, कह रहे डेराइव एक्सप्रेशन फॉर हर वेलोसिटी, डेराइव एक्सप्रेशन फॉर डेराइव फर्स्ट में एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट, इसमें कौन सा एक्सेलरेशन अगर ए गिवेन हो तो हम वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे और एक्स, इस पर बेस्ट क्वेश्चन है। अभी एक क्वेश्चन गिवेन रहेगा जिसमें वी दिया रहेगा तो ए और ए फाइंड करेंगे। फिलहाल हम लोग एक्सेलरेशन से वेलोसिटी और एक्स कैसे फाइंड करते हैं ये देख लेते हैं। अभी इसके पहले हम लोग क्या दिए थे, यक्स गिवेन था तो वी फाइंड किए थे और ए फाइंड किए थे। इसके पहले वाले क्वेश्चन में यक्स गिवेन था तो वी फाइंड किए थे ए, तो अब ए गिवेन रहेगा वी फाइंड करने रहेगा और एक्स फाइंड करने रहेगा, तो कैसे फाइंड करेंगे ये देखते हैं जरा। डिराइव एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट अकर एट व्हाट टाइम वेलोसिटी विल बी ग्रेटेस्ट, एट व्हाट टाइम बी क्या है, एट व्हाट टाइम वेलोसिटी विल बी ग्रेटेस्ट, वेलोसिटी विल बी ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट कब होगा भाई, ग्रेटेस्ट। और शुरू में कुछ इन्फॉर्मेशन गिवेन है, कह रहे एट टी इक्वल टू जीरो, एट टी इक्वल्स टू जीरो इनिशियल स्पीड, इनिशियल इस वेलोसिटी है, सॉरी वेलोसिटी इक्वल्स टू गिवेन है 10 मीटर पर सेकेंड, और इनिशियल डिस्प्लेसमेंट गिवेन है 10 मीटर पर सेकेंड, एंड इनिशियल इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इज कितना गिवेन है, 50 मीटर, डिस्प्लेसमेंट इज 50 मीटर, 50 मीटर है। तो देखते हैं कैसे इसका सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। तो एक्सेलरेशन से अगर वेलोसिटी फाइंड करना हो तो सबसे पहले एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन लिखते हैं, ए इक्वल टू डीवी अपॉन डीटी, और उसके पहले भी क्या फाइंड कर लेते हैं वी, क्योंकि वी रहेगा तभी डीवी अपॉन डीटी से हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं। सॉल्यूशन कैसे करेंगे भाई देखते हैं, ए इक्वल्स टू गिवेन है 2 माइनस टी बाई 10, और ए की डिफिनीशन क्या लिखते हैं, डी वी अपॉन डी टी इक्वल्स टू 2 माइनस टी बाई 10, ये लिख सकते हैं हम लोग। अब लिमिट डी टी को उधर कर देते हैं तो डी वी इक्वल्स टू हो जाएगा, डी वी इक्वल्स टू डी टी को उधर करेंगे तो 2 माइनस टी बाई 10 इंटू डी टी, इंटू क्या आ जाएगा डी टी। यहाँ पर जैसे ए इक्वल टू 2 माइनस टी अपॉन 10 गिवेन है तो ए का डिफिनीशन क्या होता है, डी वी अपॉन डी टी, डी टी को इधर कर देते हैं। अब दोनों साइड का इंटीग्रेशन तो करेंगे लेकिन लिमिट लगाते समय किस बात का ध्यान देंगे, टी इक्वल्स टू जीरो, टी इक्वल्स टू जीरो पर दो इन्फॉर्मेशन दिया है, इनिशियल स्पीड यू इक्वल्स टू गिवेन है 50 मीटर पर सेकेंड
और जो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट एक्स नॉट गिवेन है, एक्स नॉट एज्यूम कर लेते हैं, वो कितना गिवेन है, ये 10 मीटर और ये 50 मीटर गिवेन है। क्या गिवेन है? 50 मीटर। और t इक्वल टू t पर पूछ रहा है, t टाइम पर पूछा है। अगर मैं रिपीट कर रहा हूँ, t इक्वल टू 0 पर u और x नॉट गिवेन है और t पर हमें पूछा है कि v क्या होगा, तो इंटीग्रेट करेंगे ऐसे, dv वी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 2 - t/10 और क्या करेंगे यहाँ पे dt, इनिशियल लिमिट यहाँ dt है तो t की लिमिट क्या लिखेंगे 0 और यहाँ पे t फाइनल लिमिट और यहाँ पे dv है तो क्या लिखेंगे, इनिशियल 10 है और फाइनल यहाँ पे मान लेते हैं v है, यह है v है। तो जब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो dv का इंटीग्रेशन ओनली क्या हो जाएगा v और 10 टू v इक्वल्स टू इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 और dt का t हो जाए 2t माइनस t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t² / 2 तो t² / 2 और 10 है इसके साथ, अपर लिमिट क्या हो जाएगा 0 सॉरी लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट क्या आ जाएगा t, क्या किए 2 और dt का इंटीग्रेशन t माइनस t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t² / 2 × 10 0 to t। इंटीग्रेशन ना समझ आए पीछे आप लोग जाइए पूरा डिटेल में, बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स में आप लोग इसको देख सकते हैं, इंटीग्रेशन भी है, इंटीग्रेशन का अप्लीकेशन भी है, डिफ्रेंसिएशन भी है, डिफ्रेंसिएशन का अप्लीकेशन भी है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे 0 to क्या है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो यहाँ पे वी क्या लिखेंगे, वी माइनस 10, पहले अपर लिमिट वी उसके बाद माइनस ए 10 इक्वल्स टू यहाँ पे टी सब्सटीट्यूट करते थे 2t और माइनस ए t² / क्या हो जाएगा 20 और अगर यहाँ 0 रख दें माइनस तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 तो यही एक्सप्रेशन ऑप्टेंड हो जाएगा, तो यहाँ से वी इक्वल्स टू क्या ऑप्टेंड हो जाएगा 10 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा 2t माइनस t² / 20 तो ये वी का एक्सप्रेशन ऑप्टेंड हो गया। लेकिन हमें केवल वी नहीं फाइंड करना, एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ से डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करेंगे तो v इक्वल टू हम लोग जानते हैं dx/dt इक्वल्स टू हो जाएगा 10 + 2t माइनस t² / 20 और dt को उधर कर देते हैं तो क्या मिलेगा यहाँ से बच्चों, ध्यान से देखिएगा आप लोग, यहाँ से मिलेगा dt को उधर कर देते हैं तो dx इक्वल्स टू 10 + 2t और माइनस t² / 20 इंटू क्या हो जाएगा dt, क्या हो जाएगा dt। अब इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेशन dx, इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे dx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 10 + 2t माइनस t² / 20 इंटू डी टी और यहाँ पे x की लिमिट, इनिशियल लिमिट क्या है 50 और फाइनल हमको फाइंड करना है, तो जब ये dt की लिमिट क्या है 0 to t 0 to क्या आ जाएगा t, तो dx का इंटीग्रेशन x और क्या लिखेंगे 50 to x इक्वल्स, जब इसे इंटीग्रेट करें क्या मिलेगा 10 और dt इसके साथ है 10t प्लस 2 और t का इंटीग्रेशन हो जाएगा, जो पावर रहता है उसमें 1 ऐड कर देते हैं तो पावर इस पर 1 है तो 1 ऐड करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, उसी पावर से डिवाइड कर देते हैं माइनस क्या लिखेंगे यहाँ पे, जो भी पावर रहेगा उसमें 1 ऐड करें 3 हो जाएगा अपान उसी पावर से डिवाइड कर इंटू 20 क्या है 20, लोअर लिमिट क्या है 0, अपर लिमिट क्या है t, लोअर लिमिट क्या है 0, अपर लिमिट क्या है t। अब बस वैल्यू रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें डिस्प्लेसमेंट के लिए एक्सप्रेशन फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ से कैसे फाइंड करेंगे भाई, देख लेते हैं इसके लिए एक्स इक्वल यहाँ पे एक्स माइनस 50, अपर लिमिट एक्स माइनस 50 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा t की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते थे यहाँ भी t और t तो क्या हो जाएगा 10t प्लस t² के t² हो जाएगा 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और माइनस क्या बच जाएगा t³/60। अब 50 को उधर ले जाते हैं तो जब 50 को उस साइड में ले जाएंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास बचेगा x इक्वल्स टू 50 इधर हो जाएगा 50 + 10t + t² - t³/60 तो ये एक्सप्रेशन ऑप्टेंड हो जाएगा किसके लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए, किसके लिए डिस्प्लेसमेंट। अब देखते हैं बी में पूछा एट व्हाट टाइम वेलोसिटी विल बी ग्रेटेस्ट, करेक्ट किस टाइम पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा ग्रेटेस्ट हो जाएगा, तो कैसे हम लोग फाइंड करेंगे ग्रेटेस्ट वेलोसिटी का, मतलब बी का जो एक्सप्रेशन आया था क्या आया था
वी का एक्सप्रेशन, उसको हमें ग्रेटेस्ट बनाना है। तो वी का एक्सप्रेशन क्या आया था अभी, इसके पहले आया था डी वी इक्वल्स टू, इसको इंटीग्रेट किए थे तो टू टी आया था माइनस टी स्क्वायर बाई कितना आ गया था, टी स्क्वायर बाई ये 20 हो गया था और यहाँ पे 10 था तो उधर चला गया, तो वी इक्वल्स टू आया था 10 प्लस 2t। अभी हम लोग इससे पहले ऑब्टेन किए थे। अब इसको अगर ग्रेटेस्ट बनाना है तो मैक्सिमा मिनिमा, हम लोग इसके पीछे एक वीडियो है जिसमें पूरा मैक्सिमा मिनिमा के बारे में डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया गया है, बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, वहाँ पर आप लोग जाकर देख सकते हैं कि जब भी हमें किसी भी क्वांटिटी का मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करना रहे तो सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते हैं। कैसे, जिस टर्म में गिवन आएगा उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डी डी टी इक्वल्स टू ये जीरो, ये क्या हो जाएगा टू माइनस टू टी अपॉन 20। तो यहाँ से डी वी डी डी टी अपॉन वी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा टू माइनस टी बाई 10, टू माइनस टी बाई क्या हो जाएगा 10। यह जो वैल्यू है ये क्या होगा, इसको जीरो होना पड़ेगा, क्या होना पड़ेगा जीरो। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट, कौन सा क्रिटिकल पॉइंट के लिए इसको जीरो होना पड़ेगा, और क्रिटिकल पॉइंट के लिए डी डी टी आर वी इक्वल्स टू जीरो, हेंस इसकी वैल्यू कितनी है टू माइनस टी बाई 10 इक्वल्स टू जीरो, और यहाँ से टू इक्वल्स टू टी बाई 10 तो 20 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा टी। अब 20 पे मैक्सिमा हो सकता है और मिनिमा, क्रिटिकल पॉइंट का मतलब या तो यहाँ पे मैक्सिमा होगा या तो मिनिमा। अब मैक्सिमा मिनिमा को डिसाइड करने के लिए इसका डबल डिफरेंशिएशन करते हैं, अगर ये जीरो से छोटा आ गया नेगेटिव आ गया तो मैक्सिमा होगा, तो डिफ्रेंशिएट करें डी टू वी अपॉन डी टी स्क्वायर, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करें तो जीरो इक्वल्स टू क्या मिलेगा जीरो माइनस, इसका डिफ्रेंशिएशन टी का क्या हो जाएगा वन हो जाएगा, वन अपॉन टेन निगेटिव मिला है, और जब भी जीरो से छोटा हो जाएगा तो इस क्रिटिकल पॉइंट पर मैक्सिमा वी ऑप्टेंड होगा, डी डी टी स्क्वायर इज लेस देन जीरो, क्योंकि माइनस वन बाई 10 निगेटिव है, और अगर यह निगेटिव आया तो टी इक्वल टू 20 सेकेंड पर भी क्या होगा मैक्सिमम वैल्यू ऑप्टेंड करेगा। हैंस एट टी इक्वल टू 20 सेकेंड ऑब्जेक्ट विल ऑप्टेंड मैक्सिमम वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी ऑप्टेंड करेगा मैक्स वेलोसिटी। अब इसको मैक्सिमम वेलोसिटी को फाइंड कैसे करेंगे देखते हैं जरा। तो मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड करने के लिए टी इक्वल टू कितना इसमें सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा 20 सेकेंड, क्या टी इक्वल्स टू 20 तो 10 प्लस 2 इंटू 20, क्योंकि 20 सेकेंड में मिला है, माइनस 20 स्क्वायर अपॉन 20 तो ये हो जाएगा 10 प्लस ये हो जाएगा 40 माइनस 20 और ये हो जाएगा ये 30 मीटर, जो भी 30 यूनिट रहेगा एसआई यूनिट है तो मीटर पर सेकेंड में ही आएगा, किसमें आएगा मीटर पर सेकेंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं एक और, क्या गिवेन है यहाँ पे, अगर हमें वेलोसिटी गिवेन हो कहीं पर, क्या गिवेन हो वेलोसिटी, तो हम लोग एक्सेलरेशन और ये कैसे फाइंड करेंगे इस पर भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज गिवेन बाय वी इक्वल्स टू, क्या गिवेन हो वी इक्वल्स टू टी स्क्वायर अपॉन टू माइनस 3t प्लस 5, तो कह रहे और इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवेन है, इनिशियल वेलोसिटी क्या गिवेन है, इनिशियल वेलोसिटी इक्वल्स टू गिवेन है वेलोसिटी इक्वल्स टू गिवेन है 5 मीटर पर सेकेंड, क्या गिवेन है 5 मीटर पर सेकेंड, और इनिशियल डिस्प्लेसमेंट भी गिवेन है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट क्या गिवेन है डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू एज्यूम कर लेते हैं 10 मीटर ही ओनली गिवेन है, तो कह रहा है कि फाइंड एट व्हाट टाइम वेलोसिटी विल बी ग्रेटेस्ट, ये नहीं अब अलग क्वेश्चन करते हैं, फाइंड कर लेते हैं कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के लिए एक्सप्रेशन फाइंड करना है। फाइंड एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट, फाइंड एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन और सेकेंड जो गिवेन है वो क्या गिवेन है, कह रहा है कि ये एक्सेलरेशन कब मैक्सिमम होगा, एट व्हाट टाइम एक्सेलरेशन विल बी मैक्सिमम, एट व्हाट टाइम एक्सेलरेशन विल बी मैक्सिमम, एक्सेलरेशन विल बी मैक्सिमम, कह रहे एक्सेलरेशन कब मैक्सिमम होगा,
तो यहाँ पे थोड़ा सा हमको चेंज करना पड़ेगा, टी पर क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। सॉल्यूशन में फाइंड करते हैं, वी इक्वल्स टू गिवेन है टी पर क्यूब अपान टू माइनस क्या गिवेन है थ्री टी प्लस क्या गिवेन है फाइव। तो वी इक्वल टू क्या होता है डी डी एक्स डी डी टी ऑफ एक्स इक्वल्स टू टी पर क्यूब अपान टू माइनस थ्री टी प्लस फाइव। डी टी को उधर ट्रांसफर कर देते तो क्या आ जाएगा डी एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा टी पर क्यूब अपान थ्री माइनस थ्री टी प्लस फाइव इंटू डी टी इंटू क्या आ जाएगा डी टी। और ये हमें गिवन है कि जो इनिशियल टी इक्वल्स टू जीरो पर टी इक्वल्स टू जीरो पर इनिशियल वेलोसिटी हमें दिया है फाइव मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे यू इक्वल्स टू क्या गिवन है फाइव मीटर पर सेकेंड क्या गिवन है फाइव मीटर। और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट गिवेन है वो टेन मीटर गिवेन है, तो कह रहा है कि टी इक्वल टू टी पर कितना हो जाएगा टोटल वैल्यू क्या टी इक्वल टू टी पर कैसे फाइंड करेंगे ये वाला हमें गिवेन है। इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है इनिशियल पे, किस पर इनिशियल पे। तो इंटीग्रेट जब करेंगे तो डी एक्स कहाँ से कहाँ था एक्स की लिमिट लिखेंगे, इनिशियल क्या है टेन, फाइनल एज्यूम कर लेते हैं एक्स हो गया, इंटीग्रेशन टी पर क्यूब अपान थ्री माइनस थ्री टी और प्लस फाइव इंटू क्या करेंगे डी टी, और टाइम क्या है जीरो से लेकर के टी तक, जीरो से लेकर टी तक है। तो डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स टेन टू एक्स इक्वल्स टू, जब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू कितनी ऑब्टेंड हो जाएगी टी पर फोर अपान फोर इंटू थ्री माइनस थ्री टी स्क्वायर बाई टू और प्लस फाइव का हो जाएगा फाइव टी, जीरो से लेकर कहाँ तक टी तक, जीरो से लेकर टी तक। अब यहाँ पे जो टोटल वैल्यू हमें ऑब्टेंड हो जाएगी इसको देखते हैं जरा, एक्स अपर लिमिट रखते हैं एक्स माइनस लोअर लिमिट क्या रखेंगे टेन इक्वल्स टू, इक्वल्स टू क्या लिखेंगे अपर लिमिट, यहाँ पे हर जगह टी रख देंगे जहाँ पे टी है, तो टी पर फोर अपान ट्वेल्व, टी पर फोर अपान क्या मिल जाएगा ट्वेल्व माइनस थ्री बाई टू टी स्क्वायर और प्लस फाइव टी, और जीरो रखेंगे सब क्या हो जाएगा जीरो। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू जो ऑब्टेंड हो जाएगी टेन को इधर ले टेन प्लस टी पर फोर बाई ट्वेल्व माइनस थ्री बाई टू टी स्क्वायर और प्लस क्या बच जाएगा फाइव टी, या एक्स की वैल्यू ऑब्टेंड हो गया वी हमें दिया। अब एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे, ए फर्स्ट हो गया और सेकेंड में एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को ए इक्वल्स टू क्या लिखते हैं ए इक्वल्स टू लिखेंगे डी डी टी आ वी, डी डी टी आ वी या डी डी टी आ वी, वी के प्लेस पे क्या लिखेंगे वी इक्वल टू टी पर क्यूब अपान थ्री टी पर क्यूब अपान टू माइनस थ्री टी प्लस फाइव, माइनस थ्री टी प्लस क्या लिख देंगे फाइव, और इसकी वैल्यू टोटल कितना ऑब्टेंड हो जाएगा प्लस, यहाँ पे फाइव इंक्रीज कर देते हैं और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो टी पर क्यूब का क्या हो जाएगा थ्री टी स्क्वायर अपान टू माइनस थ्री, और टी का क्या हो जाएगा वन प्लस जीरो, वन प्लस क्या हो जाएगा जीरो। तो यहाँ से हमें ऑब्टेंड हो जाएगा थ्री बाई टू टी स्क्वायर माइनस थ्री, माइनस क्या हो जाएगा थ्री, ए हमें एक्सेलरेशन ए ऑब्टेंड हुआ है। अब कह रहा है कि इसकी वैल्यू कब मैक्सिमम होगी, क्यों, क्योंकि हमें एक्सप्रेशन तो फाइंड हो गया डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन, ये फर्स्ट में ही दोनों था क्योंकि फाइंड एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन था, सेकेंड में क्या गिवन है कि ये कब मैक्सिमम होगा। तो इसे एक बार डिफ्रेंशिएट करके क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते हैं और सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि मैक्सिमम वैल्यू होगा या मिनिमम वैल्यू होगा। तो क्या करते हैं हम लोग, फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट करते हैं सेकेंड के लिए, डी डी टी ऑफ ए टी के रिस्पेक्ट में जिसका फंक्शन गिवन रहेगा क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए पावर पहले आ जाएगा, पावर कितना है थ्री बाई टू इंटू टू टी स्क्वायर टू टी सॉरी और टू और टू कैंसिल हो जाए क्या थ्री टी, क्या आ जाएगा थ्री टी। यहाँ से फॉर क्रिटिकल पॉइंट क्या लिखेंगे, फॉर क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट क्या लिख देंगे डी डी टी ऑफ ए इक्वल्स टू जीरो और थ्री टी इक्वल्स टू जीरो, यहाँ से टी इक्वल्स टू जीरो सेकेंड ऑब्टेंड हो जाएगा। हमें ए नहीं मालूम है कि यहाँ पे मैक्सिमा है कि मिनिमा है, ओनली यहाँ मैक्सिमा भी हो सकता है और मिनिमा भी, तो क्या करेंगे इसे टू टाइम्स डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डी टू ए अपान क्या लिखेंगे
डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ से क्या लिखेंगे, ये एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे इसका सेकेंड टाइम्स, तो इसका डिफ्रेंशिएशन थ्री बार हो जाएगा, टी का वन हो जाएगा, ये जीरो से बड़ा है। और अगर डी टू ए अपान डी टी स्क्वायर जीरो से बड़ा आ गया तो इसका मतलब ये पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, लेकिन यहाँ पे पूछा है मैक्सिमा, इसका मतलब एक्सेलरेशन का मैक्सिमम वैल्यू इसमें ऑब्टेंड नहीं होगा, ओनली मिनिमा होगा। हेंस एट एक्स इक्वल्स टू जीरो एक्सेलरेशन विल बी मैक्सिमम, एक्सेलरेशन विल बी मैक्सिमम, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, मिनिमम, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, इसमें एक्सेलरेशन मैक्सिमम ऑब्टेंड नहीं होगा बल्कि मिनिमम ऑब्टेंड होगा, क्या ऑब्टेंड होगा, मिनिमम। अब हम लोग देखते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि जेई में पूछे गए क्वेश्चन हैं सब। ये क्वेश्चन क्या गिवन है देखते हैं जरा, तो हम लोग अगर कोई भी एक डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी या एक्सेलरेशन में से गिवन हो तो अन्य दो को फाइंड कर सकते हैं, या तो इंटीग्रेट करके या तो डिफ्रेंशिएट करके। इसका मतलब फिजिक्स के लिए इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम लोग को आना चाहिए। कह रहा है कि किसी पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वह टाइम के 3/4 पावर के प्रोपोर्शनल है, तो इसके लिए जो डिस्प्लेसमेंट है और एक्सेलरेशन है वह टाइम पे किस प्रकार डिपेंड करेगा। इफ क्वेश्चन गिवन है, जे में पूछा गया है, इफ वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन टाइम अकॉर्डिंग टू 3/4 पावर, देन फाइंड, शॉर्ट में लिखे, देन फाइंड एक्सप्रेशन देन एट विच देन हाउ डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन डिपेंड्स अपॉन टाइम। कैसे डिपेंड्स करेंगे देखते हैं सोल्यूशन में। तो क्या करते हैं यहाँ पे, ये गिवन है कि जो वेलोसिटी है v प्रोपोर्शनल टू t पर 3/2 है, तो जब प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट k लगा दें, k पर 3/2, तो पहले डिस्प्लेसमेंट के लिए देखते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग यहाँ से कैसे फाइंड करेंगे, dx ऑफ dt इक्वल्स टू k, टी पर 3/2 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, डी टी को इधर ले जाते हैं, तो डी एक्स, क्योंकि वी की डिफिनेशन होती है डी डी एक्स अपन डी टी, तो ये हो जाएगा डी एक्स इक्वल्स टू के टी पर 3/2 इंटू डी टी, के पर 3/2 इंटू डी टी, दोनों साइड के इंटीग्रेशन कर देंगे तो डी एक्स इक्वल्स टू के बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन टी पर 3/2 इंटू डी टी, इंटीग्रेशन डी एक्स क्या हो जाएगा एक्स, ए हो जाएगा के, और टी पर 3/2 है तो पावर में 1/8 कर देंगे, क्या करेंगे 1/8 कर देंगे, और इसी से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे 3/2 + 1, तो यहाँ से x इक्वल्स टू आ जाएगा k, और यहाँ पे हमें इससे मतलब नहीं, कॉन्स्टेंट सा बढ़ जाएगा, x इज प्रोपोर्शनल टू लिख देते हैं, क्योंकि हमें फाइंड करना है टाइम पे किस प्रकार डिपेंड करेगा, तो ये कॉन्स्टेंट हट जाएगा और t पर क्या आ जाएगा 5/2, तो जो डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करेगा t इज प्रोपोर्शनल टू x इज प्रोपोर्शनल टू t पर 5/2 के अकॉर्डिंग। अब हमें एक्सेलरेशन का रहा है कैसे डिपेंड करेगा, तो v हमें गिवन है, तो एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू क्या हो जाता है, a इक्वल्स टू होता है d dt आप क्या लिखेंगे v, तो यहाँ से क्या हो जाएगा a इक्वल्स टू d dt ऑफ v के प्लेस पे क्या लिखेंगे, v के प्लेस पे हम लोग लिखेंगे kt पर 3/2। अब एक कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा k, और इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन में जो पावर रहता है पहले आ जाता है 3/2, और पावर में से 1 सब्सट्रैक्ट कर 3/2 - 1 हो जाएगा, तो यहाँ से a इक्वल्स टू क्या ऑब्टेंड हो जाएगा, कांस्टेंट हटा देते हैं, a इज प्रोपोर्शनल टू डायरेक्ट लिखते हैं, t पर क्या हो जाएगा 1/2, तो जो अगर वेलोसिटी 3/2 के प्रोपोर्शनल है तो डिस्प्लेसमेंट 5/2 के और एक्सेलरेशन 1/2 के प्रोपोर्शनल होगा। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं जे का,
कैसा क्वेश्चन गिवेन है? यहाँ पे गिवेन है किसी भी पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट और टाइम इक्वेशन है वो गिवेन है हमें, डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन गिवेन है। अभी देख रहे हैं क्या गिवेन है, उसके बाद इसका सोल्यूशन ऑब्टेन करते हैं। डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम ऑफ ए मूविंग पार्टिकल आर रिलेटेड अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। क्या इक्वेशन गिवेन है यहाँ पे? इक्वेशन गिवेन है टी इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, देन प्रूव दैट ए इक्वल टू, देन प्रूव दैट ए इक्वल्स टू, एक्सेलरेशन ए कितना हो जाएगा? माइनस टू ए वी पर 3, वेयर ए इज एक्सेलरेशन एंड वी इज वेलोसिटी। ए हमको प्रूव करना है, तो कैसे हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं जरा देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे तो पहले हम लोग वेलोसिटी तक पहुँचे, उसके बाद एक्सेलरेशन तक। क्यों? क्योंकि हम अभी लोग देखें क्वेश्चन में एक्स के बाद वी, वी के बाद क्या होता है ए, तो एक्स से वी ऑब्टेन करेंगे, वी से क्या ऑब्टेन कर लेंगे ए। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्टेन करते हैं यहाँ से किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें, टी के रिस्पेक्ट में। तो t इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, अगर x के रिस्पेक्ट में करें तो भी आ जाएगा, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, सबसे अच्छा है t के रिस्पेक्ट में करें ताकि इधर हट जाए, इधर वेलोसिटी हमें डायरेक्टली ऑब्टेंड हो जाएगा। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dt ऑफ t इक्वल्स टू a बाहर हो जाएगा, ddt ऑफ x स्क्वायर प्लस b बाहर हो जाएगा, ddt ऑफ x, ddt ऑफ क्या हो जाएगा x, तो जब इसे लिखेंगे तो 1 हो जाएगा इक्वल्स टू a, और x स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x, अभी तो x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन किए हैं, फिर x का क्या हो जाएगा ddt ऑफ x। यहाँ पे ध्यान देना है, जैसे यहाँ dt कैंसिल हो गया, ये बाहर हो गया, x स्क्वायर का 2x, लेकिन अभी पावर का डिफ्रेंशिएशन हुआ है, x का क्या हो जाएगा ddt ऑफ x प्लस बी, ए भी हो जाएगा ddt ऑफ x, तो यहाँ से ddt ऑफ x को भी बोलेंगे तो ए वन इक्वल्स टू हो जाएगा 2ax और प्लस 2ax इंटू वी, ये भी हो गया प्लस b इंटू ए भी क्या हो जाएगा वी, तो यहाँ से जब लिखेंगे तो 1 इक्वल्स टू हो जाएगा 2a इंटू ax इंटू वी, ax इंटू वी, वी यहाँ से कॉमन कर लेते हैं दोनों से, 2ax और प्लस क्या लिखेंगे b इंटू क्या लिखेंगे वी, यहाँ पे 1 इक्वल्स टू 2ax और प्लस बी वी इंटू वी, तो वी यहाँ से कितना ऑब्टेंड हो जाएगा 1/2ax प्लस क्या हो जाएगा b, अभी वी का एक्सप्रेशन ऑब्टेंड हुआ है, अब किसका एक्सप्रेशन ऑब्टेंड कर लेते हैं a का, हैंस एक्सेलरेशन, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हैंस एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू ddt ऑफ v, यहाँ पे जो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन है और यह एक्स के रिस्पेक्ट में गिवेन है, ये किसके रिस्पेक्ट में गिवेन है एक्स के रिस्पेक्ट में, और ये किसके रिस्पेक्ट में गिवेन है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो चाहे तो यहाँ पे वी की वैल्यू रखकर डिफ्रेंशिएट करें, या तो इसे हम लोग डी टी को यहाँ पर हटा दें और एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो दोनों टर्म में हम लोग देखते हैं क्या करते हैं, दोनों टर्म में देख लेते हैं कितना ऑब्टेंड हो गया यहाँ से, तो यहाँ से ए इक्वल्स टू लिखेंगे, ये फर्स्ट वाले टर्म में देखते हैं, ए इक्वल्स टू लिखेंगे डी डी टी आ वी, वी की वैल्यू कितना है 1/2ax + b, इस पर पावर 1 होगा, ये पावर ऊपर जाएगा, तो ऐसे लिखेंगे डी डी टी ऑफ 2ax + b पर पावर क्या हो जाएगा -1, क्योंकि होल पर पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो पावर पहले आ जाएगा -1 और बच जाएगा 2ax + b, पावर एक सब्सट्रैक्ट करने का -2 हो जाएगा। अभी हम लोग पावर का डिफ्रेंशिएशन किए, डी डी टी ऑफ पावर हट गया, अब 2ax + b का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2ax + b कितना हो जाएगा a -1
अपान ए नीचे चला जाएगा, टू ए एक्स और प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पर माइनस टू है तो होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका डिफ्रेंशिएशन करें तो क्या बचेगा, टू ए और एक्स जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से एक्सलरेशन ए इक्वल्स टू जो फाइंड करेंगे वह कितना हो जाएगा, देखते हैं जरा इसको। एक्सलरेशन क्या हो जाएगा, ए इक्वल्स टू माइनस वन अपान, ये जो वैल्यू है वन अपान टोटल, ये तो वी है, यह है वी है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं वन अपान, इसको वी स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि वी इक्वल टू वन अपान टू एक्स प्लस बी है। वन अपान ऐसे लिख दें, वन अपान टू ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि वन का स्क्वायर वन ही होता है, माइनस को बाहर कर लिए, टू ए, टू ए बच जाए तो इसको क्या लिख सकते हैं, इस टोटल के प्लेस पे वी सब्सटीट्यूट कर दें। क्या सब्सटीट्यूट कर दें, वी। तो जब वी यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, और यहाँ पे एक गलती और हुई है, क्यों, क्योंकि टू ए का तो हो गया लेकिन एक्स का नहीं हुआ है, डी डी टी ऑफ एक्स। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे टू ए कॉन्स्टेंट हो गया बार और एक्स का डी एक्स अपॉन डी टी, तो ए वी बच जाएगा, डी डी टी ऑफ एक्स क्या बच गया, वी, और इसके प्लेस पे वी रख दें तो ए बच जाएगा माइनस वन बाई टोटल वी का होल स्क्वायर इंटू टू ए इंटू वी। अब यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो वी स्क्वायर इंटू वी, वी पर क्यों है तो माइनस टू ए, और वी पर क्या हो जाए, क्यूब, ए इक्वल टू माइनस टू ए, वी पर क्या आ गया, क्यूब आ गया। तो इस तरह हम लोग किसका एक्सप्रेशन फाइंड कर लिए, ए का। तो हमें एक्सेलरेशन में ऐसे ही क्वेश्चन देंगे, एक्स दिया रहेगा तो एक्स से वी ऑब्टेन करेंगे, वी से ए ऑब्टेन करेंगे, ए दिया रहेगा तो ए से वी से क्या ऑब्टेन करेंगे, एक्स ऑब्टेन करेंगे। अभी एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का बहुत सारा स्टडी किया जाएगा आगे, ग्राफ्स वगैरह में।